शिव भक्तों को बिना अनुमति भगवान महाकाल की भस्म आरती के दर्शन हो सकेंगे। दरअसल इस आने वाले महीने को लेकर महाकालेश्वर मंदिर समिति ने तैयारी शुरू कर दी है। एक बैठक में ये बड़ा निर्णय लिया गया है। अब भस्म आरती दर्शन चलित व्यवस्था के तहत होगी। सावन भादो महीने में प्रतिदिन भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती 22 जुलाई से 2 सितंबर तक प्रातःकालीन पट खुलने का समय 3 बजे होगा। सोमवार को भस्म आरती का समय प्रातः 2:30 बजे होगा। कांवड़ियों के लिए विश्राम धाम रैम सभा मंडपम में जलपात्र से बाबा महाकाल को जल अर्पण करने की व्यवस्था निर्धारित रहेगी। गेट नंबर 1 के रास्ते फैसिलिटी सेंटर 1, टनल के रास्ते मंदिर परिसर, कार्तिक मंडपम, गणेश मंडपम से भगवान को जल अर्पण किया जाएगा। आगामी सावन मास और सवारी को लेकर के बैठक संपन्न हुई, जिसमें कि पूरी दर्शन व्यवस्था के बारे में डिस्कस किया गया और भीड़ प्रबंधन के विषय में डिस्कस किया गया। सवारी में क्या क्या विषय रहेंगे वो डिस्कस किया गया। विशेष तौर पर जो इस बार हम लोग पीछे एक गाड़ी चला करके LED लगा करके लाइव प्रसारण करने वाले हैं सवारी का, वो सारे विषय डिस्कस हुए। इसके अलावा वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया था, लेकिन वार्षिक बजट में कुछ कमियाँ थी तो उसको पुनः बनाने के लिए कहा गया। आ सकता है और इसकी वजह है कि राज्य के 80% डैम में पानी कम है। गंगरेल की बात कर ली जाए, सिर्फ 23.64% यहाँ पानी बचा है। ऐसे करीब 10 जलाशय हैं जिनमें 50% पानी कम है। बताया ये जा रहा है कि 2017 के बाद से मानसून का पैटर्न बदला है। प्रदेश के 17 जिलों में औसत से कम बारिश दर्ज की गई और इसके बाद ये चिंता बढ़ गई है। मौसम की बेरुखी, जल संकट का अलर्ट, मानसून में पानी बिन सब सून, बारिश की नहीं लगी झड़ी, ये खतरे की घड़ी, धान का कटोरा गहरा सकता है जल संकट। धान का कटोरा छत्तीसगढ़, लेकिन मौसम की बेरुखी का असर ऐसा कि ना तो फसल मुस्कुरा रही है और ना ही लोगों के चेहरे खिलखिला रहे हैं। मानसून में भी डैम और जलाशय के कंठ प्यासे हैं। इन तस्वीरों ने चिंता की लकीरें खींच दी हैं। छत्तीसगढ़ में खेती किसानी बारिश पर निर्भर है, लेकिन बारिश के मौसम में पानी की झड़ी तो छोड़िए, औसत से भी कम बारिश हुई। ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं डैम और जलाशय का बारिश के मौसम में दर्द। राज्य के 80% डैम में कम पानी है। गांगरेल में सिर्फ 23.64% पानी बचा है। तांदूल में 7.61% पानी है। श्याम, खारंग, सूतियापत, झुमका, पिपरिया सहित 10 जलाशयों में 50% से भी कम पानी बचा है। बीते साल की तुलना में 36% कम बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक इसकी वजह मानसून के पैटर्न में बदलाव को बता रहे हैं। पैटर्न के बदलाव से जुलाई और अगस्त के महीने में कम बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के 17 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। बेमेतरा और सरगुजा में सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई। बीते साल जुलाई में 310 मिलीमीटर बारिश हुई थी, इस बार सिर्फ 218 मिलीमीटर यानी 36% कम बारिश हुई। भारत में सबसे अधिक बारिश देने का समय रहता है। इन दो महीने में करीब 70% बारिश होती थी, लेकिन अभी जो पैटर्न चेंज आया है इसमें जून में एक बार सिस्टम आता है जिसके कारण से व्यापक रूप से वर्षा होता है, बाकी छुटपुट वर्षा है वो कंटिन्यू रहता। संकट को भांपते हुए गांगरेल डैम के भिलाई पावर प्लांट को जाने वाली पानी की आपूर्ति रोक दी गई है। सब लोग आसमान पर नजरें टिकाए हैं। उम्मीद यही है कि धान के कटोरा छत्तीसगढ़ में मानसून जरूर मेहरबान होगा। रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और जबलपुर के शासकीय महिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यह खबर हमने आपको बताई, फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है, अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों से। ये क्रांति शुरू होगी एक पेड़ से, एक पेड़ मानवता के लिए।
एक पेड़ इस धरती माँ के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। प्रोजेक्ट वन ट्री, न्यूज 18 नेटवर्क की एक बड़ी पहल।